हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24+। आप सभी का स्टडी 24+ में स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए फिर से कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आज आप सभी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। पहला क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है, डीप ब्लू कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा डीप ब्लू कंप्यूटर। डीप ब्लू कंप्यूटर ने ही विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोवा को शतरंज में हराया था। इस तथ्य को भी हम लोग जान लेते हैं। यह है डीप ब्लू कंप्यूटर। डीप ब्लू कंप्यूटर ने ही वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोवा को शतरंज में हराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी कार्य करने की क्षमता रखने वाले सुपर कंप्यूटर की गति को क्या कहते हैं। सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत ही विशाल कंप्यूटर होता है, उसकी जो क्षमता होती है लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी। हम लोग जो अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं ना, लगभग 40,000 जो हम लोग अभी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर उससे 40,000 गुना ज़्यादा फास्ट है। सुपर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो सुपर कंप्यूटर जो है बड़े बड़े स्पेस रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नासा, इसरो, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी जो स्पीड है उसको किस में मापा जाता है, मेगा फ्लॉप में, याहो फ्लॉप में, टेक्स्ट फ्लॉप में, या सभी। इसका राइट आंसर होगा मेगा फ्लॉप। आइए देखते हैं सुपर कंप्यूटर को। यह है सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, सुपर कंप्यूटर। ये 40,000 माइक्रो कंप्यूटर, 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितना पावरफुल ये एक अकेला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेके वन किस वर्ष बनाया गया था। दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था क्रेके वन, वह किस वर्ष बनाया गया था, 1975 में, 1976 में, 1978 में, 1979 में। इसका राइट आंसर होगा 1979 में। पहला सुपर कंप्यूटर क्रेके वन किस वर्ष बनाया गया था, 1979 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला सुपर कंप्यूटर क्रेके वन किस देश की रिसर्च कंपनी क्रेके ने बनाया था। किस देश की सुपर कंप्यूटर जो पहला क्रेके वन बना था वो किस देश की कंपनी ने बनाया था, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। निम्न में कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। प्रत्यूष, क्रेके वन, T3A, ENIAC। राइट आंसर होगा ENIAC। मैंने इस क्वेश्चन को अपने पहले वीडियो में कवर किया है। आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं। यही है ENIAC। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पत्र द हिंदू, नवभारत टाइम्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्र द हिंदू। इसका राइट आंसर होगा पत्र द हिंदू। हम लोग ऐसे भी इसको याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड सेम एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाले पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी। दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, पत्र द हिंदू, नव भारत टाइम्स या दैनिक जागरण। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया टुडे। पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो पत्र द हिंदू, और दूसरा पत्रिका कौन सा था, तो इंडिया टुडे। एक बार इंडिया टुडे को हम लोग देख लेते हैं। इंडिया टुडे अभी एक न्यूज चैनल भी है जो कि इंग्लिश न्यूज चैनल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल होने वाले आर्क को किस यूनिवर्सिटी ने बनाया था। इंटरनेट पे हम लोग जानकारियाँ खोजते हैं, अभी हमें कुछ भी पता नहीं होता है तो गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं और हमें जानकारी मिल जाती है। तो उसमें जो आर्क वर्क करता है, उस आर्क को किस यूनिवर्सिटी ने बनाया था। मैकगिल यूनिवर्सिटी ने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने, न्यूयॉर्क ने, जापान ने। इसका राइट आंसर होगा मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। किसने, मैकगिल यूनिवर्सिटी ने। इस 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसने लिखी थी, सबसे पहला बुक जो लिखा था पर्सनल कंप्यूटर पे वो किसने लिखा था। चार्ल्स बेब्स ने लिखा था, टेड नेल्सन ने लिखा था, जेम्स कैल्विन ने लिखा था, एलेना कॉफ ने लिखा था। इसका राइट आंसर होगा टेड नेल्सन।
टेड नेल्सन ने ही पर्सनल कंप्यूटर पे सबसे पहला बुक लिखा था, हम इसको याद रखेंगे। एक बार देखते हैं टेड नेल्सन महाशय है कौन। यही है टेड नेल्सन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर पुस्तक सोल ऑफ द मशीन, सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक टेसी किडर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कंप्यूटर पर पुस्तक सोल ऑफ द मशीन, सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक टेसी किडर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑस्कर अवार्ड से, पुलित्जर अवार्ड से, अमेरिका रत्न अवार्ड से, फाल्के अवार्ड से। इसका राइट आंसर होगा पुलित्जर अवार्ड से। अच्छा, पुलित्जर अवार्ड से रिलेटेड जानते हैं कि पुलित्जर अवार्ड जो दिया जाता है वह किन क्षेत्रों में दिया जाता है। टेसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि अमेरिका का सबसे प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, पत्रकारिता, साहित्य, संगीत, रचना के क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य करने, रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय काम मतलब प्रशंसा योग्य वर्ग, जो कि अच्छा काम करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझेंगे। कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद जो हमारे सामने इंटरफेस प्रदान होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। मैपिंग, स्वीपिंग, टैगिंग या बूटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। ठीक है। अच्छा, मेरे दोस्त से एक बार ये सवाल किया था, उन्होंने कहा था जूता पहनना बूटिंग का मतलब होता है। भाई साहब, जूता पहनना नहीं होता है, इसका राइट आंसर बूटिंग होता है। ठीक है। बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर पूर्ण रूप से कार्य करने योग्य जब होता है, जब वो शट डाउन होता है, हम उसको ऑन करते हैं, तो इस पूरा ऑन होकर के जो हमारे सामने इंटरफेस प्रदान होता है उसे बूटिंग कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता के एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है वो क्या कहलाता है। एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम, आपने देखा होगा कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम नहीं, अनेकों प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। एक जगह यूट्यूब चलाते हैं, एक जगह गूगल क्रोम चल रहा होता है, एक जगह कुछ, एक जगह कुछ। तो ये जो इंटरफेस प्रदान करता है वो हमें कौन प्रदान करता है, तो विंडो प्रदान करता है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या शेयरवेयर। इसका राइट आंसर होगा विंडो। बिना विंडो का कंप्यूटर एक खाली डब्बा है, जब तक उसमें विंडो नहीं होगा वो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। अच्छा, ये विंडोज के कुछ पिक्स हैं, लोगोज हैं, विंडोज सेवन, विंडोज, ये सब 1985 में आया था। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस ज़रूर करेंगे, समय नहीं है ज़्यादा, इसलिए फटाफट से हम लोग वीडियो क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 13वां नंबर का, कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। बिट, बाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सबसे छोटा होता है बिट। ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर जो आया था उसके जनक किसको कहा जाता है। समीर क्रे, सॉरी सिमोर क्रे, विंट सर्फ, कैन थॉम्पसन, ऑलन पेरलिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमोर क्रे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमोर क्रे। सिमोर क्रे देखते हैं, सिमोर क्रे को ही सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 बनाया था, जिसे आमतौर पर पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर के जनक सीमोर क्रे, सुपर कंप्यूटिंग के जनक सीमोर क्रे को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है पेंटियम, ठीक है, विंडोज, यूनिक्स, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चार हैं, आंसर सिर्फ एक ही होगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटियम। ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स नहीं बोलेंगे इसको, लिनक्स होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, लिनक्स। निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है। डिस्केलर, ब्लेंडर, एविडेमेक्स या ऑर्डोर। इसका राइट आंसर ऑर्डोर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑर्डोर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा वह नेटवर्क था, कौन सा वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया, कौन सा वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। अच्छा, इंटरनेट आया है, इंटरनेट इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अभी इंटरनेट के सहायता से हम लोग बहुत सारी जानकारियां बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, जानकारी हासिल करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन कौन सा एक और उसमें नेटवर्क जुड़ के इंटरनेट का आधार बन गया है। ऑप्शंस में है अपरानेट, क्लस्टर, SSID, HTTP। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो अर्पानेट होगा। क्या हो जाएगा? अर्पानेट। अच्छा, अर्पानेट है क्या? अर्पानेट है क्या? पहले क्या होता था, कंप्यूटर इंटरनेट जो था इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, तो कुछ DOD के कर्मचारी लोग होते थे, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ें भेजने में बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, तो उन्होंने मिलकर के अपरानेट का आविष्कार किया। अपरानेट एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका आविष्कार 1968 में अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने किया था, यह अमेरिका की संस्था है। इसलिए इसे विकसित किया गया क्योंकि डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो थे वे अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में असमर्थ रहते थे, बहुत सारी चीज़ों को भेज नहीं पाते थे, तो उसे भेज पाएँ, आसानी के साथ भेज पाएँ, उसके लिए इन्होंने अपरानेट का आविष्कार किया। अपरानेट का जब उन्होंने आविष्कार कर लिया तो ये सब शेयर करना जो है ना बहुत आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत आसान हो गया। और बाद में इसने इंटरनेट ही बन गया, इंटरनेट के साथ जुड़ गया और उसका आधार बन गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हम समझते हैं जब तक उससे रिलेटेड अच्छे थॉट्स और उस क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में नहीं आता तो फिर वो बेकार है, वो ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना महा ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और किसने की थी। 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और उसके साथ एक और आदमी थे, किन्होंने की थी। तो उन दोनों में से पहला तो नाम दे ही दिया है लैरी पेज, लेकिन दूसरा नाम क्या था, उसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्गी ब्रेन, पीटर थियल, इलोन मास्क, स्टीव बेंजेइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सर्जी ब्रेन। सर्जी ब्रेन और लैरी पेज ने मिलकर के गूगल का स्थापना किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार, यह है लैरी पेज और यह है सर्जी ब्रिन। ठीक है, अब ये फिगर देख करके आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका, अच्छा गूगल से रिलेटेड एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, गूगल आखिर में है क्या, तो ये सर्च इंजन है, इतना आप लोग याद रखेंगे गूगल एक सर्च इंजन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, दुनिया का भी सबसे बड़ा सर्च इंजन है तो वो गूगल ही है। किसका कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट PCB होता है, CPU, मदरबोर्ड, ROM या RAM। तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर में होता है जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो जाता है। अभी देख लेते हैं एक बार मदरबोर्ड को, मदरबोर्ड यही है, बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर हो, TV हो, मोबाइल फोन हो, वो काम करने योग्य नहीं रह जाता है जब तक कि उसमें मदरबोर्ड ना लगा हुआ हो। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस, पहले वीडियो में इनपुट डिवाइस आया था, इसमें आउटपुट डिवाइस आया है, तो आउटपुट डिवाइस समझ लेते हैं एक बार होता है क्या है। कंप्यूटर से जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जिस डिवाइस की मदद से प्राप्त होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, डालते हैं वो इनपुट की सहायता से, लेकिन जब हमें मिलती है जिस भी डिवाइस की सहायता से मिलती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हेडफोन से हमें जो है कि उससे इंफॉर्मेशन ही मिलती है, हम गाना सुनते हैं तो हेडफोन की सहायता से वो आवाज़ बाहर आता है। अच्छा, प्रोजेक्टर की सहायता से हम लोग किसी को कुछ दिखाते हैं किसी पर्दे पे। जॉयस्टिक, इससे हम लोग गेम खेलते हैं, क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, मतलब निर्देश डालते हैं कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को काम करने के लिए। इसका राइट आंसर जॉयस्टिक ही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक बार देख लेते हैं हम लोग जॉयस्टिक को। जॉयस्टिक यही है, ठीक है, जॉयस्टिक यही है, ये एक गेमिंग डिवाइस है। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, आईपी का पूर्ण रूप इंट्रा प्रोटोकॉल, इंटर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रपोजल, इंटर प्रोपेगेंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर प्रोटोकॉल, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, इंटर प्रोटोकॉल। ठीक है, इतना तो हम लोग कम से कम याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? मास्टर एरिया नेटवर्क, मैसिव एरिया नेटवर्क, मैक्सिफ्ट एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर होगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। देखते हैं पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटिंग में कौन एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है? फायरवॉल, स्पैम, लुकी, स्पाईवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। अच्छा, फायरवॉल है क्या? यह कंप्यूटर की दुनिया का एक कानून है, ठीक है। फायरवॉल, अगर फायरवॉल से ही यह उस पर किसी भी वेबसाइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, किसी भी डेटा पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, ये यहाँ से वहाँ तक जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये उसमें जाएगा। इसी तरह का जो, जैसे मान लीजिए कि बीच में यहाँ पे हमारा मेन सर्वर है, यहाँ पे हमारा मेन सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे उपयोगकर्ता कंप्यूटर चला रहे हैं। मेरा मन है कि मेरा जो डेटा जाए वो इस कंप्यूटर में जाए लेकिन इसमें ना जाए, तो इसी से ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो फिर ये यहाँ तो जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो ये एक कानून है, फायरवॉल एक इंटरनेट कंप्यूटर की दुनिया का एक कानून है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, जिसको शॉर्ट में WWW भी कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, स्टीव बजनियक, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली महाशय को एक बार देख लेते हैं, यही बहादुर थे, इन्होंने ही WWW का आविष्कार किया था। WWW के आविष्कार के बाद कंप्यूटर इंटरनेट जो है और भी ज़्यादा विख्यात हो गया, क्योंकि पहले उसमें टेक्स्ट हुआ करते थे, लेकिन जब से WWW आया उसमें टेक्स्ट, इमेजेज, ऑडियोज, वीडियोज शामिल हो गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ऑनसेप, पिक्चर, परम युवा 2, वेंगेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परम युवा 2, ठीक है। इंडिया का जो पहला, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया इज आवर नेशन, यू नो दैट, उसका जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम युवा 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परम युवा 2, यही है परम युवा 2। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स, कैस्पर स्काई, अवशात, नॉर्टन। अच्छा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सब जो है ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1990 के दशक में लिनक्स का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी हम लोग विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज विस्टा ये सब इस्तेमाल करते हैं। अभी विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज विस्टा क्या होता है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? बाइनरी कोड क्या होता है? कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है मशीनी भाषा, तो उसको कोड में, उसको जो है कोडिंग की भाषा समझाई जाती है, तो वो कौन सा है बाइनरी कोड में? अच्छा, उसमें एक होता है, वही बाइनरी कोड को कंप्यूटर समझता है, तो उसमें कौन कौन से अक्षर होते हैं? 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोमेन नामों में AU अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? डोमेन नामों में, कंप्यूटर में जो नेम सेव्ड होते हैं ना वो डोमेन के रूप में होते हैं, तो उसमें जो AU सेव्ड है वो किस नाम को दर्शाता है? एंटीगुआ, अफ्रीकी संघ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, AU स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसको एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूर संचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचनाओं या ऑपरेशनों के भागों की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा
के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमको पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। सिंपली समझते हैं, हम लोग जो अपने डेली लाइफ में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह संचार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वर्ल्ड वाइड वेब, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर होगा एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इस क्वेश्चन के बाद समाप्त कर देंगे। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें कि सर यहाँ पे आपने जो ये पढ़ाया अच्छा पढ़ाया, ये पढ़ाया तो गलत पढ़ाया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार सकूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए कौन सी फाइल जिम्मेदार है? एमएस वर्ड शुरू करने के लिए, एमएस वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये है क्या? तो ये डॉक्यूमेंट बनाता है, क्या बनाता है? डॉक्यूमेंट बनाता है। तो ये उसको जो स्टार्ट करता है कौन? विंडोज ईएक्सी, विन डॉट ईएक्सी, वर्ड डॉट ईएक्सी, विंडो विन डॉट ईएक्सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो ईएक्सई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडो ईएक्सई। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम लोग जरूर फिर मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, टू बी कंटिन्यू, हम लोग कंटिन्यू ही रहेंगे। आप लोग का काम है लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।